देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने कहा कि एक दिव्य अनुभव था। इससे पहले पीएम मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की। इसके बाद देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने द्वारका के पंचकोई समुद्री तट पर स्कूबा डाइविंग भी की। इस दौरान पीएम मोदी गहरे समुद्र में गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमग्न द्वारका शहर है। ये प्राचीन शहर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। स्कूबा डाइविंग के समय पीएम मोदी की सुरक्षा में भारतीय नौसेना के अधिकारी तैनात रहे। द्वारका में एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग की। द्वारका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका नगरी के दर्शन को अलौकिक अनुभव बताया और कहा कि वे इस अनुभव को हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैंने द्वारकाधीश के सामने शीश झुकाया। मैं मोर के पंख भी अपने साथ लेकर गया था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। मैं हमेशा से वहां जाने का इच्छुक था और द्वारका नगरी के अवशेषों को छूना चाहता था। आज मैं भावुक हूं क्योंकि मेरा दशकों पुराना सपना पूरा हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैंने नया भारत बनाने की गारंटी दी तो विपक्ष मुझे गाली देने लगा और इसे नकार दिया। आज सभी लोग नए भारत को अपनी आंखों के सामने बनते देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय से देश पर राज किया उनके पास इच्छा शक्ति ही नहीं थी, उनकी सोच सिर्फ आम जनता को बातें सुनाने की ही थी। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन है वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। पीएम मोदी ने अरब सागर पर बने देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारका मंदिर में भी पूजा अर्चना की और पुल को जनता को समर्पित किया। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।